साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। 24 जुलाई की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। वहीं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 मामले पर रिव्यू याचिका को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट कोर्ट से। 72,825 शिक्षक भर्ती में सरकार का नोटिस हुआ जारी। इसके साथ साथ एनआईएस डीलिट मामले में पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पीजीटी आंसर की हुई रद्द। हाईकोर्ट के आदेशानुसार समायोजन और तदर्थ शिक्षकों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आपको इस चैनल के माध्यम से वैकेंसीज की जानकारी के साथ साथ शैक्षिक खबरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां डिस्कस की जाती हैं। तो जितने भाई बहन अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज चैनल से जरूर जुड़ जाएं, जिससे आपको भविष्य की जानकारियां मिलती रहें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग को लेकर के अभ्यर्थियों को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन थर्ड काउंसलिंग तभी होगी जब सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मिल जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 28 अगस्त की डेट पर लगी हुई है और उसी डेट से जो है काफी उम्मीदें हैं और सभी अभ्यर्थियों को उम्मीदें हैं, क्योंकि जो रिक्त पद हैं उन पर थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रयास करें। अभ्यर्थियों को उम्मीदें हैं कि 28 अगस्त की सुनवाई से थर्ड काउंसलिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट से विभाग को डायरेक्शन मिल जाएगा। वहीं सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल को रद्द कराने वाले अभ्यर्थियों को उम्मीदें हैं कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय होगा और 28 अगस्त से मामला डे बाय डे सुनवाई के लिए लगाया जाएगा और सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल रद्द कराई जाएगी। तो सबको उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से हैं, सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, लेकिन सरकार का रुख इस भर्ती में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस मामले में सरकार जो चाहेगी वही होगा। क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा था कि सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल रद्द कराने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से पुरजोर प्रयास किया गया था कि नियुक्त अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग को लेकर के आदेश सुप्रीम कोर्ट से ना मिलने पाए, लेकिन सरकार ने पक्ष रखा सुप्रीम कोर्ट ने में और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सुना और डायरेक्शन दे दिया और जो चयनित थे, जिनके हाथ में नियुक्ति पत्र थे, उनको स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट कर दी गई बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। हालांकि इन चयनित साथियों में से कुछ अभ्यर्थी हमारे ऐसे भाई बहन अभी शेष बचे हुए हैं जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड है, उनको लेकर के विभाग की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है और काफी परेशान है वो अभ्यर्थी। उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सूचना भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि थर्ड काउंसलिंग को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। तो साथियों, ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, जब तक सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन नहीं मिलेगा तब तक 12,460 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग या नियुक्ति प्रक्रिया किसी भी प्रकार से बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कंप्लीट नहीं की जाएगी। अब सभी लोग अपना अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं, इसके लिए थर्ड काउंसलिंग जल्द से जल्द ओपन टू ऑल हो, इसके लिए प्रयास करने वाली टीम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपनी आईए दाखिल कर अपना पक्ष रखने की तैयारी शुरू कर दी गई है और इसके लिए लोगों को जोड़ा भी जा रहा है। तो 12,460 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराने वाली टीम से जितने भी साथी जुड़ना चाहते हैं, यानी थर्ड काउंसलिंग हो उसमें पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो इस टीम के साथ जुड़ करके सुप्रीम कोर्ट में जो आईए पड़ेगी थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल जल्द से जल्द हो इसके लिए उसमें जुड़ सकते हैं। क्या महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर नजर डाल लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी लोग 12,460 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग के लिए सभी भाई बहनों के लिए इंपॉर्टेंट सूचना। हम लोगों के तरफ से माननीय योगी जी को थर्ड काउंसलिंग का लेटर रिसीव करा दिया गया है। थर्ड काउंसलिंग को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पिछले दिनों में मुलाकात हुई थी और वहां पर थर्ड काउंसलिंग कराने को लेकर के संबंधित ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को रिसीव करा दिया गया था। और फिर हम लोग एससीईआरटी पे सचिव सर और बघेल सर से मुलाकात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो चुकी है, अब सचिव सर और बघेल सर से मुलाकात करेंगे, उसके बाद में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं बाकी के कोर्ट प्रक्रिया हम लोग 30 जुलाई को आईए फाइल करके ये कोर्ट की पूरी प्रक्रिया कर लेंगे, इसके बाद किसी को नहीं जोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोनों जगह प्रयास जारी है, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी संपर्क में है थर्ड काउंसलिंग वाले और सुप्रीम कोर्ट में भी आईए दाखिल करके अपना पक्ष रखने के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 30 जुलाई को एक आईए फाइल की जाएगी थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल जल्द से जल्द कराने को लेकर के रिक्त पदों पर, और जिन्होंने भी सहयोग किया है उनकी लिस्ट बन गई है और आप लोगों को दी जा चुकी है। यानी थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में
जो आईए फाइल की गए उसमें जुड़े हुए लोगों की लिस्ट तैयार कर ली गई है, जिन्होंने सहयोग किया है उनकी लिस्ट बन चुकी है, बाकी यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। और उसके बाद थर्ड काउंसलिंग के लिए सीनियर वकील हम उतारेंगे, उसके लिए सीनियर वकील वहां पे होगा, इसलिए आप लोग घबराए नहीं और मजबूती के साथ संगठित रहें। जिनको जुड़ना है वो 29 जुलाई तक जुड़ सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी लोग जुड़ने के लिए किसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वेद वर्मा भाई का नंबर आप सभी लोग देख सकते हैं 9839808217 है, और यहाँ पर संजीव यादव का नंबर 6388776076 है। और आप सभी साथी जो थर्ड काउंसलिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट की आईए में जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर 29 जुलाई तक यहां पर आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। यहां पर एक बात आप सभी को ध्यान रखना है, आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सेस अकेडमी और डीएसएलजी आपको कभी भी किसी भी टीम से जुड़ने और पैसा देने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन जो जानकारी थी आप सभी लोगों की डिमांड थी वो हमने आप तक प्रेषित की है। अगर आप सभी लोग इच्छुक हैं और टीम से जुड़ करके आईए में जुड़ते हैं और या किसी भी प्रकार से किसी भी टीम से जुड़ते हैं तो वो आपके व्यक्तिगत फैसले होंगे, आपकी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हमारा मतलब केवल और केवल आप तक जानकारी पहुंचाना था, हमने जानकारी प्रेषित कर दी। अब आगे आपको किससे जुड़ना है किससे नहीं जुड़ना ये फैसले आपको लेने होंगे, बाकी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए इन नंबर्स पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये थर्ड काउंसिलिंग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आईए से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर जो नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों से जुड़ी हुई है। अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में सैकड़ों ऐसे अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट सूचना है। तो आप सभी साथियों को बता दें, आप सभी लोगों ने अपने स्तर से बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छा एफर्ट किया, लेकिन केवल और केवल आश्वासन मिला और फाइनली जो आप सभी लोगों के लिए चीजें और कंक्लूजन निकलकर एससीईआरटी से आया वो यही है कि आप सभी लोगों को 28 अगस्त सुप्रीम कोर्ट सुनवाई तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बेहतर ये हो जाता है कि आपको जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार करना ही है तो उससे पहले एक छोटा सा स्टेप आप ये लें कि बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर सन्मुगा सुंदरम जी से अपनी समस्या अवगत कराएं, और इसके साथ साथ संदीप सिंह जी जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनसे भी अपनी बातों को रखें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बातों को पहुंचा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से व्यक्तिगत रूप से मिल करके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपनी समस्या से अवगत कराएं, ज्ञापन दें और त्वरित जो है कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए निवेदन करें। और उसके बाद आप सभी लोगों को जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का इंतजार करना है तो एक बेहतर ऑप्शन ये हो सकता है कि जब 28 अगस्त तक की सुनवाई का हम लोग इंतजार करेंगे और इंतजार ही करना है तो क्यों ना हम सभी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथी अपने मैटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाएं। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक अपनी बात स्टेप बाय स्टेप पहुंचाने के साथ ही आप सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना अब अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि आपको जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का इंतजार करना है तो क्यों ना क्यों हम ऐसा एक इंतजाम करें जिससे हमारे पक्ष को भी सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए। तो हम जिस भी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में, चाहे आप एक याचिका लेकर के जाएं, चाहे आप आईए के माध्यम से जाएं, किसी भी व्याप पर जाएं, आपको अब सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। और इसके लिए वो सभी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले इश्यूज चाहे जो भी रहे हों, चाहे जो भी कारण हो आपके नियुक्ति पत्र होल्ड का, सभी लोग एकजुट होकर के सुप्रीम कोर्ट में अपनी पैरवी करने के लिए तैयारी कर लें, तभी आपको न्याय मिलेगा। क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की मंशा आप सभी लोगों के नियुक्ति पत्र रिलीज करते हुए स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट करने की नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक शिक्षा विभाग से स्पष्ट क्लियर हो चुका है आप सभी को। तो उम्मीद करेंगे कि नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थी माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार पुनः मुलाकात करेंगे, अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, तभी आपको न्याय मिलेगा। अन्यथा बेसिक शिक्षा विभाग आपको केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाइयों के बिहार पर टरकाता रहेगा और आपको कभी इसमें ज्वाइनिंग और नियुक्ति नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल कंफर्म आप मानकर चलिए। तो उम्मीद करते हैं कि नियुक्ति पत्र होल्ड वाले भाई बहन हमारी बातों को समझ कर आगे चीजें सुनिश्चित करेंगे और अपनी नौकरी के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, तभी आपको हक मिलेगा। ये बेसिक शिक्षा विभाग का हमेशा से रूल रहा है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ आपको अपना हक अधिकार जो है वो लेना पड़ेगा, लड़ करके तभी आपको कामयाबी मिलेगी। तो इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अब हम बात कर लेते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 मामले को लेकर के हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में फाइल रिव्यू याचिका से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 मामले को लेकर के
जो है अभ्यर्थियों की तरफ से हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में, जहां से उनके अगेंस्ट आदेश आया था, सुप्रीम कोर्ट के एडवाइज के अकॉर्डिंग उन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी है। और जो रिव्यू पिटीशन अभ्यर्थियों की तरफ से फाइल की गई थी उसमें कुछ डिफेक्ट आ गए हैं, जिसकी जानकारी रिव्यू याचिका फाइल करने वाले अभ्यर्थियों को कोर्ट की तरफ से प्रेषित कर दी गई है। अब उस डिफेक्ट को बहुत जल्द सही करा लिया जाएगा याचिकाकर्ताओं की तरफ से। ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं है जिससे याचिका खारिज हो जाए, और जब डिफेक्ट आता है तो उसे सही करते हुए उसे सुनवाई के लिए लिस्टेड किया जाता है। तो जो 12091 की रिव्यू याचिका हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में डाली गई है उस पर जो डिफेक्ट है उसको लेकर के अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द याचिकाकर्ताओं की तरफ से डिफेक्ट को सही करा लिया जाएगा और उसके बाद बहुत जल्द मामला सुनवाई के लिए भी लिस्टेड होगा। पहले सुनवाई होगी, उसके बाद में मामला प्रॉपर बेंच को ट्रांसफर किया जाएगा, वहां पर चीजें सुनवाई के लिए रखी जाएंगी और रिव्यू पिटीशन पर एक बार फिर से हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में जो है आर्गुमेंट होता नजर आएगा। और ये चीजें आप सभी को बता दें, अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक में आप सभी लोगों को इस मामले से संबंधित सुनवाई की डेट देखने को मिल सकती है प्रॉपर बेंच में। हालांकि अभी ये कुछ भी कहना जल्दबाजी है जब तक कि कोर्ट की तरफ से इसको लेकर के कोई कॉज लिस्ट नहीं आ जाती है। और जैसे ही कॉज लिस्ट या कोई अन्य जानकारी 72825 शिक्षकवर्ती में 12091 की रिव्यू को लेकर के आती है तो आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। इसके लिए जो साथी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। अब बात कर लेते हैं 72825 शिक्षक भर्ती में रिस्पोंडेंट मामले को लेकर के सरकार की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस रही है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार नई भर्तियों को देने के साथ साथ लंबित भर्तियों के निस्तारण की ओर भी उन्मुख हो रही, और ये कहीं ना कहीं सरकार और युवाओं दोनों के लिए बेहतर होगा। अगर सरकार लंबित भर्तियों के मामलों को निस्तारित करती है और नई भर्तियों के विज्ञापन जारी करती है तो ये दोनों के हित में, सरकार और विभाग के। और इसी क्रम में आप सभी को बता दें 72825 शिक्षक भर्ती में रिस्पोंडेंट मामले को लेकर के सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसे आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि प्रेषक अवधेश कुमार तिवारी, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, और ये 15/7/2024 की सुनवाई में सेवा में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ जो है वहां से ये प्रेषित है। और विषय माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित अवमानना याचिका संख्या 837/838/2023 कृष्ण कुमार व अन्य बनाम श्री दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा तथा व अन्य तथा संबंध अन्य अवमानना वादों के संबंध में। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग कि महोदय उपयुक्त विषय माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित अवमानना याचिका संख्या 837/838/2023 कृष्ण कुमार व अन्य बनाम श्री दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा व अन्य तथा संबंध अन्य अवमानना वादों में दिनांक 15 जुलाई 2024 को सुनवाई है तो सूचीबद्ध। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि 72825 शिक्षक भर्ती के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 43/47/43/75/2014 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 7/12/2015, 24/2/2016, 24/8/2016, 17/11/2016 तथा अंतिम आदेश दिनांक 25/7/2017 का अनुपालन न हो पाने के कारण याचिका द्वारा विभिन्न अवमानना वाद योजित किए गए हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे कहा गया है कि उक्त अवमानना वादों के निस्तारण है तो अग्रतर कार्रवाई किए जाने के संबंध में विचार विमर्श से दिनांक 3/7/2024 को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में विचारों उपरांत निम्न स्थिति पर प्रकाश डाला गया और ये निम्न स्थितियां जो है वो निकलकर सामने आई। पहला क्या पॉइंट निकलकर सामने आया कि प्रकरण में योजित अवमानना यादों में याचिकाकर्ता द्वारा की जा रही नियुक्ति की मांग का परीक्षण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 43/47/43/75/2014 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में अंतरिम या अंतिम आदेशों के अनुरूप किया जाना होगा। यदि किसी याचिकाकर्ता की नियुक्ति किसी कारणवश नहीं हो सकी तो संबंधित याचिकाकर्ता की नियुक्ति प्रदान किए जाने के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जानी होगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पे निकलकर आता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 43/47/43/75/2014 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम शिवकुमार पाठक व अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24/8/2016 के अनुपालन में विभाग की ओर से दाखिल अनुपालन शपथ पत्र में जिन 502 अभ्यर्थियों की नियुक्ति है तो अपनी अपनी श्रेणी में वरीयता एवं शैक्षिक योग्यता के आधार पर अर्हता पाया गया था। ऐसी याचिकाकर्ताओं को किन्हीं कारणों से नियुक्ति प्रदान
नहीं की जा सके तो इन याचिकाओं की सूची का पात्रता के आधार पर परिचय करते हुए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव या आख्या सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरा पॉइंट जो निकलकर सामने आया वो ये है कि इस हेतु प्रकरण में प्रक्रियात्मक समय लगने की संभावना है। अगला पॉइंट जो है इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री अंकित गोयल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली से संपर्क स्थापित करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय को उक्त वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए माननीय न्यायालय से 3 माह का अतिरिक्त समय प्रदान करने का अनुरोध करने का कष्ट करें तथा तुरंत कार्रवाई से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें। यह जो है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश जारी किया गया है अवधेश कुमार विशेष सचिव उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो कुल मिलाकर के 72,825 शिक्षक भर्ती में रिस्पॉन्डेंट मामले को लेकर के महत्वपूर्ण जो है शासन की जो आदेश जारी हुए हैं सचिव सर को उसको डिस्कस किया गया है। तो कुल मिलाकर के चीजें अब कहीं ना कहीं निस्तारण की ओर बढ़ती नजर आ रही हैं, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि इस पर क्या कार्रवाई सुनिश्चित होती है सरकार और विभाग की तरफ से। अब बात कर लेते हैं तदर्थ शिक्षकों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो देख सकते हैं तदर्थ शिक्षक 25 से निदेशालय पर अनवरत धरने पर बैठेंगे। नियमित बहाली व पहले दिए जा रहे मानदेय की मांग। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में तैनात रहे 2200 से ज्यादा शिक्षक अपने हक के लिए एक बार फिर आंदोलन करेंगे। तदर्थ शिक्षक 25 जुलाई से नियमित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर धरने पर बैठेंगे। साथ ही जल्द मांगे न मानी गई तो वह आंदोलन को और विस्तार रूप देने का निर्णय लेंगे। यह जानकारी प्रेस क्लब में संयुक्त प्रेस वार्ता में तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने दी। समिति के अध्यक्ष रविन्द्र सिंह ने कहा कि इस मामले में विभागीय अधिकारियों ने शासन व सरकार को गुमराह करने का काम किया है। उन्हें अब इस उस मानदेय पर काम करने के लिए कहा जा रहा है जो चपरासी से भी कम है। उसी विद्यालय में चपरासी से कम वेतन पर कैसे काम करेंगे और अपने परिवार का कैसे गुजारा करेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल सिंह राणा ने कहा कि तदर्थ नियुक्तियों व नियमितीकरण में व्यापम से बड़ा घोटाला हुआ है, बस जरूरत इसकी ठीक से जांच कराने की। उन्होंने कहा कि तदर्थ शिक्षकों में मानदेय पर रखे जाने के निर्णय से काफी नाराजगी, सरकार अपने इस निर्णय को वापस ले और उन्हें पूर्व में दिए जा रहे वेतन पर ही तैनाती दी जाए, शिक्षकों को नियमित किया जाए, अन्यथा उनके सामने आंदोलन के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। तदर्थ शिक्षकों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर पीजीटी की आंसर की को कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से रद्द। हाई कोर्ट ने प्रयुक्त अंग्रेजी 2013 की संशोधित उत्तर कुंजी की रद्द। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने आपत्तियों के बाद संशोधित उत्तर कुंजी की थी जारी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से प्रयुक्त अंग्रेजी 2013 के पदों पर भर्ती के लिए कराई गई परीक्षा की जारी संशोधित उत्तर कुंजी को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। यदि याचिकाकर्ता योग्यता सूची में आता है तो उसकी नियुक्ति की जाए। पुनर्मूल्यांकन के बाद जो उम्मीदवार ग्रेड नहीं बनाते हैं उन्हें सेवा से बाहर नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि 3 माह के भीतर यूपी माध्यमिक शिक्षा विभाग और यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आवश्यक कार्रवाई करें। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने अजय कुमार शुक्ला की याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका अजय कुमार शुक्ला ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अंग्रेजी प्रवक्ता 2013 भर्ती में आवेदन किया था। 22 फरवरी 2015 को आयोजित लिखित परीक्षा में याचिका ने भाग लिया था। परीक्षा के बाद बोर्ड की ओर से जारी उत्तर कुंजी के खिलाफ कुछ आपत्तियां दर्ज की गई। इसके बाद चयन बोर्ड ने 20 मई 2015 को एक संशोधित उत्तर कुंजी प्रकाशित की। मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद चयन बोर्ड ने 20 अप्रैल 2016 को दूसरी संशोधित उत्तर कुंजी प्रकाशित की। संशोधित उत्तर कुंजी से याचिका पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उसके विरोध में उसने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर गुहार लगाई थी, जिसके सापेक्ष ये आदेश हाई कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें हाई कोर्ट ने जो है आंसर की को ही रद्द कर दिया है। तो हाई कोर्ट से आंसर की रद्द किए जाने से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की। दोस्तों बात कर लेते हैं प्रसिद्धि विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में कि कोर्ट से क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो शिक्षकों के समायोजन पर तबादला आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती। अदालत ने राज्य सरकार से 29 को मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्राथमिक शिक्षकों के समायोजन पर होने वाले तबादले के आदेश पर राज्य सरकार से 29 जुलाई तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम आदेश दिया कि याचिका शिक्षकों के तबादले कोर्ट के अग्रिम आदेश के अधीन होंगे। न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने यह आदेश उच्च प्राथमिक स्कूल के सहायक शिक्षक आकांक्षा चौधरी समेत 43 शिक्षकों की याचिका पर दिया। याचिका में राज्य सरकार की ओर से बीती 26 जून को जारी आदेश को दी गई है। याचिकाओं के वरिष्ठ अधिवक्ता HGS परिहार एवं मीनाक्षी परिहार ने कहा कि सरकार का यह आदेश यूपी बेसिक शिक्षा की सेवा नियमावली 1981 के खिलाफ याचिका में सरकार के इस आदेश के तहत बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव की ओर से बीती 28 जून को शिक्षकों के समायोजन व तबादला के संबंध में जारी सर्कुलर को भी मनमाना बताते हुए चुनौती दी गई। याचिकाओं के अधिवक्ता ने सरकार के आदेश और सर्कुलर को रद्द करने का आग्रह किया। साथ ही समायोजन के नाम पर शिक्षकों की शिफ्टिंग पर रोक लगाने की गुजारिश की। याचिका में RTE अधिनियम के नियमों का उल्लंघन के आरोप भी लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के अब देखना होगा बेसिक और प्रसिद्धि विद्यालयों में समायोजन की प्रक्रिया जो विभाग की तरफ से शुरू की गई थी उस पर हालांकि तो रोक है, लेकिन अब 29 जुलाई को विभाग की तरफ से क्या जवाब इसमें दाखिल किया जाएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं NIS डीएलएड मामले को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश में लगभग 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने NIS डीएलएड कर रखा है और जब से
मामला बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, तभी से आप सभी को बता दें एनएस डीलिट मामला भी कहीं ना कहीं हाईलाइट बना हुआ है और 13 लाख अभ्यर्थी अपने हक और अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक परिणाम या रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। अब आप सभी को बता दें पटना से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही, जहां पर देख सकते हैं एनएस डीलिट सरकारी सेवा के लिए मान्य नहीं। बड़ी अपडेट है दोस्तों, पटना स्थित माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में विभाग और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एनआईएस द्वारा आयोजित 18 महीने के डीएलएड यानी ओडीएल पाठ्यक्रम के सफल उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए परिचालित किया गया था। तथापि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2022 के एसएलपी संख्या 23583-84 में दिनांक 28/11/2023 को जारी निर्णय के तहत माना कि 18 महीने का डीएलएड जो ओडीएल मोड से किया गया नियमित 2 साल के डीएलएड के पाठ्यक्रम के बराबर नहीं है और इसलिए एनआईएस डीएलएड जो है वो सरकारी सेवाओं के बराबर मान्य नहीं, सरकारी सेवाओं में मान्य नहीं किया जा सकता है। तो यानी कुल मिलाकर के एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी जो प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में जाने का सपना देख रहे थे उनके सपने को एक बड़ा झटका लगा है और उन्हें वैलिड नहीं माना गया है रेगुलर बीटीसी या डीएलएड अभ्यर्थियों के बराबर या समकक्ष, इसलिए उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्तियों से अभी बाहर का रास्ता ही देखना पड़ेगा। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये एनआईएस डीएलएड मामले को लेकर के जो महत्वपूर्ण पूरा आदेश है, देख सकते हैं भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता मिशन लोकसभा अतारंकित प्रश्न संख्या 5 के जवाब में 22/7 को ये उत्तर दिया गया, जहां पर डीएलएड अभ्यर्थियों की बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया गया था उसके प्रश्न में। यहाँ पे श्री ओम प्रकाश भोपाल सिंह उर्फ पवन राजनौर निवालकर और श्री संजय हरिभाऊ जाधव की तरफ से ये प्रश्न उठाया गया था जिसका जवाब दिया गया है और उसी के जवाब में आप सभी को बता दें ये माना गया है कि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी जो हैं वो सरकारी सेवाओं के लिए मान्य नहीं हैं। ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, कुल मिलाकर के लोकसभा में इस मामले को उठाया गया है जहां से बड़ा झटका एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को मिल चुका है और कुल मिलाकर के जो उनकी उम्मीदें थे उस पर पानी फिर चुका। हालांकि इनका संघर्ष और प्रयास जारी है, देखना ये होगा क्या शिक्षा मंत्रालय इनकी वैलिडेशन को लेकर के कोई ऑफिशियल गजट जारी करते हुए इनको वैलिड करेगा या इनका संघर्ष और परिश्रम व्यर्थ जाएगा, केवल और केवल डीएलएड मात्र नाम का ये रह जाएंगे और सर्टिफिकेट इनका केवल और केवल एक मात्र रद्दी का टुकड़ा बनकर ही रह जाएगा। तो दोस्तों आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को महत्वपूर्ण जानकारियों को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।